स्टार्ट कर लेते हैं वेदा चैप्टर नंबर ट्वेल्व दैट इज सर्विस कॉस्टिंग आप लोग इसको चैप्टर को कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हो आप लोग इस चैप्टर को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोल सकते हो ठीक है ऑपरेशन कॉस्टिंग मीन्स प्रोसेस कॉस्टिंग वो अपना हो चुका है ठीक है दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ठीक है ऑनेस्टली ये तुम्हारा कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर भी हो सकता था मेरे पूरे uh, सिलेबस के अंदर दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका कॉस्टिंग से एक्चुअली कुछ लेना देना नहीं है

ज गुड्स जो तुम्हारी कोरियर कंपनी होती है ठीक है फिर इट कुड बी से ट्रांसपोर्ट सेक्टर विच कैरीजेंजर्स मतलब जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज होती है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बसेज होती है जो पैसेंजर्स uh, को एक जगह से दूसरी जगह वो लेकर जाती है इट कुड बी से एयरलाइंस इट कुड बी से रेलवे इट कुड बी Say hotels, it could be say hospitals, it could be say theaters, and I'll end it off with whatever you're seeing right now. It could be say coaching classes also. Okay, there could be so many more examples here as compared to whatever I'm telling you all. Okay, now we are interested in any company who is interested, uh, who is going to be providing services to the customer. Wo kuch goods वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो शायद डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर करके कोई फंड ही नहीं आएंगे इधर ठीक है तो जो भी तुम लोगों ने आज तक सीखा इस चैप्टर के लिए उसको भूल जाना ठीक है इस चैप्टर के लिए इट इज 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 नॉट मच टू यू ऑल अ वेरी सिंपल थिंग इज दैट वी आर कंसर्न विद कंपनी सेक्टर ठीक है अभी इसके अंदर वॉट अदर थिंग्स कैन बी देर आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल राइट नाउ सुनो out of so many companies icai usually concentrates on these segments which segments un the transport sector which carries goods can a solid interest the transport sector which carries passengers can a solid interest uh, hotels can a interest hospitals can interest theaters can the interest not much interested not much as such बीच में एक टोल कंपनीज भी आ सकती हैं जो अपने से टोल वगैरह वो जो लेती हैं ओके इट कुड बी दैट आल्सो लेकिन बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है वी आर गोइंग टू टू बी डूइंग द द क्वेश्चंस ऑन मोर लेस ऑल ऑल थिंग्स दैट आई हैव स्पोकन यू ओके इस चैप्टर के अंदर जो भी तुमको करना है दैट इज वेरी सिंपल तुम लोग ऑनेस्टली अगर सपोज स्टैंडर्ड के अंदर भी आज होते ना तो भी मैं तुम लोग को ये वाला चैप्टर तो पढ़ा ही लेता ओके इट इज वेरी 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 सिंपल कॉमन सेंस चैप्टर और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए ठीक है इस चैप्टर के अंदर मेरा दो एम है इधर फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट ठीक है सच कंपनीज वुड लाइक टू बी फाइंडिंग आउट कॉस्ट पर यूनिट और दे वुड लाइक टू बी फाइंडिंग आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट ठीक है इधर कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑब्वियसली दोनों के बीच में एक ही फर्क है यार प्रॉफिट अपना लिख देना ऐसी वुड लाइक टू बी फाइंडिंग आउट कि उनका कॉस्ट क्या है दे वुड ऑल्सो लाइक टू फिक्स द सेलिंग प्राइस बेस्ड अपॉन देयर कॉस्ट तो सम बोलेगा कि लाइक यू नो यहां तक पहुंच जाओ तो यहां तक पहुंच जाना कभी अगर बोलेगा कि यार यहां तक पहुंचो ओके देन यू ऐड अप द प्रॉफिट मार्जिन आल्सो ठीक है इसके अंदर एक और चीज कॉस्ट पर यूनिट इन दिस पर्टिक्यूलर कैसे मिलेगा इट विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ट विल स्टार्ट टू गिव यू इन दिस केस कॉस्ट पर यूनिट अभी टोटल कॉस्ट को भी ना अगर सेग्रीगेट कर सको तो कर देना इंटू वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट या फिर थर्ड वन सेमी वेरिएबल कॉस्ट ठीक अगर ये वाला बाइफर्केशन कर सको तो कर देना इट विल बी बेटर फॉर यू नहीं कर सको तो छोड़ देना तो इन शूड माइड डिडक्ट वन मार्क फॉर इट ओके बट उससे ज्यादा नहीं ठीक अभी इन दिस केस नो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसे ही बनने वाला है जो भी इंडस्ट्री है सपोज लाइक यू नो एक कंपनी है जो लोगों का गुड्स कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एग्जांपल जो पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं लाइक यू नो हु कैरी द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू या फिर जो कोरियर कंपनीज होती हैं ठीक है नॉर्मल कॉमन सेंस के हिसाब से जो भी उनका वेरिएबल कॉस्ट है वो इधर डाल लेना पेट्रोल कॉस्ट या डीजल कॉस्ट या ऑयल वगैरह जो भी होगा फिक्स कॉस्ट है या ड्राइवर सैलरी या डिप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स ऑल दो पर्टिकुलर थिंग्स कोई और कॉस्ट होगा तो उसको सेमी वेरिएबल बना देना ठीक टोटल कॉस्ट मिल जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स अभी एक चीज यूनिट्स वर्ड नो विल नॉट मीन फिजिकल यूनिट्स यूनिट्स वर्ड विल मीन यूनिट ऑफ सर्विस एंड यूनिट ऑफ सर्विस इन दिस पर्टिकुलर केस एग्जाम्पल अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है इट कुड बी से नंबर ऑफ किलोमीटर्स तो हर एक जगह पे यूनिट वर्ड के बदले में यहां पर क्या आ जाएगा किलोमीटर ठीक है अगर ऐसा नहीं है इन सम केसेस इट कुड बी से नंबर ऑफ टन फॉर आस से कोचिंग क्लासेस आर यूनिट इज द स्टूडेंट सो दे सो ऑन एंड सो इन तो अगर सपोज ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है विच वॉन्ट्स टू फाइंड आउट कॉस्ट पर टन देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन बी डिवाइडिंग बाय तो तो आप को यहां पे पे मिल मिल जाएगा profit per ton, तो selling price per ton मिल जाएगा वगैरह वो ठीक? अभी एक और चीज ना selling price word बहुत चीप लगता है क्योंकि हम लोग कोई गुड्स वगैरह वो नहीं बेचते एग्जाम्पल तुम लोग हमारी क्लास आते हो ये थोड़ी पूछते हो सर सेलिंग प्राइस कितना है हाउ चीप इट इज ओके मेरे को बोलो तो तुम लोग क्या पूछते हो कि फीस कितना है सो so, लेट्स इट कुड बी से चार्जेज ओके इट कुड बी इन दिस केस से फीस एज यू ऑल टोल्ड इट कुड बी अगर सपोज टैक्सी या ऑटो वगैरा है तो फिर फेयर होता है वो फेयर वगैरह एफ आर ओके इट कुड बी दैट पर्टिकुलर थिंग ओके सो इनमें से कोई टर्म जो है वो यूज करना ठीक है बस सेलिंग प्राइस वर्ड यूज मत करना तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टिल लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट तुम लोग को यही वाला काम करना है एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज जो भी कॉस्ट दिए रहेंगे ओके अक्यूमुलेट कॉस्ट ओके प्रेफरेबली अंडर टू हेड्स एक वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आईसी ने क्या किया है उनको ना ट्रांसपोर्ट सेक्टर विच कैरीज द गुड्स एंड पैसेंजर्स उन लोगों को वो वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं उसने उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी दिया है विच वी वुड लाइक टू फॉलो ऑल्दो नॉट मच कंपल्सरी जब भी उन क्वेश्चन पर पहुंचेंगे वी विल स्टार्ट टू बी डूइंग ये वाला अगर कर सकते हो तो कर लिया करो और यूजुअल मीनिंग के हिसाब से कोई कॉस्ट अगर वेरिएबल है तो इधर डाल दो कोई कॉस्ट अगर फिक्स्ड है तो इधर डाल दो अगर कोई कॉस्ट बच जाए जिसके बारे में ना पता चले यार फिक्स्ड है कि वेरिएबल है तो उसको सेमी वेरिएबल के अंदर डाल देना बस ठीक है टोटल कॉस्ट निकाल देना डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टन ओके अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी विच कैरीज अ गुड्स अगर सपोज एक होटल है तो मेरे को बोलो जो होटल्स जो होटल वाले लोग होते हैं दे वु लाइक टू तो फाइंड आउट कॉस्ट पर रूम इट कुड बी इट कुड बी कॉस्ट पर डे ओके कॉस्ट पर वन कस्टमर आई डोट थिंक सो बिकॉज देट आउट अटन रूम ओके सो दे रूम इट कुड बी कॉस् पर डे ऑल दोन देशन इट एल ठीक है अगर सपोज इफ आई लास्ट यू सी थियेटर्स है ओके okay, तो थियेटर्स वुड लाइक टू बी फाइंडिंग आउट कॉस्ट पर इट कुड बी पर शो इट कुड बी पर पर्सन हु वन शो ओके सो दे विल गिव यू दो पर्टिकुलर थिंग्स ओके एंड आफ्टर ऑन थ्री टू फोर क्वेश्चन आई गेट इन टू डेप्थ ऑफ लाइक यू नो हाउ डू डिफरेंट इंडस्ट्रीज ट्राई टू मेजर देयर कॉस्ट ओके तो बस आपको इतना ही काम करना है देर इज नथिंग एल्स ओके तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ना जो भी एक्सपेंसेस हैं क्लासिफाई करने स्टार्ट कर देना प्रेफरेबली अंडर टू हेड्स एक वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अगर कोई एक्सपेंस के बारे में ना समझ में आए यू कैन मेक अ थर्ड हेड और सेमी वेरिएबल या फिर तुम उसको अदर्स बोलोगे तो भी वो चली जाएगा ठीक है टोटल कॉस्ट मिल जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स विल डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री ओके उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट अगर सम बोलेगा कॉस्ट पर यूनिट तक निकाल के छोड़ दो स्टॉप द हियर सम बोलेगा कि चार्जेस भी फिक्स कर देना तो फिर प्रॉफिट मार्जिन भी दिया रहेगा कर देना ठीक है इस चैप्टर के लिए ऑनेस्टली टू स्टार्ट ऑफ विद इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए ठीक है मैं पढ़ सकता हूं ये वो सब कुछ बट इट इज नॉट मच रेलोवेंट ओके क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे और कुछ वो नहीं आने वाला है ओके okay? लेकिन मैं पढ़ लेता हूं जस्ट लाइक यू नो फॉर बीइंग द फर्स्ट पैराग्राफ इज एप्लीकेबल टू सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर इज अ बिगेस्ट सेक्टर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

क्योंकि अगर तुम लोग तुम लोग कॉस्ट का ज्यादा खर्चा करते हो ऑटोमैटिकली ऑर सेलिंग प्राइस विल ऑल्सो बी हायर तो ऑटोमैटिकली इन दैट केस पीपल विल नॉट लाइक टू बी यूजिंग योर सर्विसेज प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज लाइक से ट्रांसपोर्टेशन होटल्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच कॉस्ट कॉन्शियस एंड थ्राइव टू प्रोवाइड द सर्विसिज इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर

लेकिन अगर कंपलसरी नहीं भी है ना कॉस्टिंग विल गिव यू दैट इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स टू रन योर बिजनेस इन अ प्रॉपर वे इन दिस चैप्टर विल बी डिस्कसिंग हाउ कॉस्टिंग इज डन इन सर्विस सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्टेशन टोल रोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल्स कैंटीन रेस्टोरेंट्स होटल एंड लॉजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन Insurance, information technology, and information technology-enabled services, etc. Service costing is also called as operating costing. What are the aims of this particular chapter? Either to find out cost per end or to find out charges per unit. But my introduction is altogether done. This chapter has the smallest introduction in your entire syllabus. Okay. Baki introductions apne ko usually ek chapter, ek lecture wo jata hai. Abhi apne ko kuch nahin. Our introduction is done.

परचेज ऑफ न्यू स्मॉल कार और एन ओल्ड बिगर कार तो कोई एक चार्ट अकाउंटेंट है ओके अपने क्लाइंट्स के काम के लिए टैक्सी यूज करता है टैक्सी यूज करेगा तो उसका 3.6 पॉइंट रुपीज का खर्चा होता है वो सोच रहा है कार खरीद लेता ठीक है उसके पास दो ऑप्शन है या न्यू स्मॉल कार खरीदेगा या ओल्ड बिग कार खरीदेगा ठीक है दस्टिमेटेड कॉस्ट फिगर न्यू स्मॉल कार परचेज प्राइस ओके ओल्ड बिगर कार का भी दिया हुआ है सेल प्राइस आफ्टर फाइव दोनों चीजें डिप्रीसिएशन के लिए काम में आ जाएगा आगे रिपेयर एंड सर्विसिंग पर एनम टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पर एनम ठीक है पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर एंड पेट्रोल प्राइस पर लीटर ये बाप दादा के जमाने का क्वेश्चन है तो चौदह रुपया बाइक और अभी तो पेट्रोल वो किधर पहुंच गया यार आगे ही एस्टिमेट दैट ही डेन थाउजेंड किलोमीटर एन्य

हाँ, तो जो टैक्सी वाला कॉस्ट है मेरे को बोलो टैक्सी वाला कॉस्ट तो क्वेश्चन के अंदर ही है ना तुम्हारे पास वो कितने रुपीज का दिया हुआ है हाँ तो अगर पर किलोमीटर के हिसाब से बात करूंगा तो थ्री पॉइंट सिक्स पर किलोमीटर तो मैं क्या करता हूं तो बाकी दोनों ऑप्शन के अंदर मैं ना कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल लेता हूं जिधर भी कॉस्ट पर किलोमीटर सबसे कम आएगा दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन ठीक है तो मैं कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने का ट्राई कर रहा हूं अंडर द अदर टू ऑप्शन देख लेंगे सबसे सस्ता किधर आता है ठीक अच्छा अभी सम के अंदर तुम लोग एक बार जरा नोटिस करना तुमको चार कॉस्ट दिखाई दे रही है नोटिस करो तुमको चार कॉस्ट दिखाई दे रही है एक डिप्रिसिएशन हो गया और तीन कॉस्ट उधर लिखा हुआ है वन इज रिपेयर इंड सर्विसिंग टैक्सीज एंड इंश्योरेंस एंड वन इज पेट्रोल कॉस्ट ठीक है ये चार कॉस्ट हैं मेरे को बोलो एक जनरल मीनिंग के हिसाब से एक जनरल मीनिंग के हिसाब से इसके से वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होना चाहिए पेट्रोल कॉस्ट विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ किलोमीटर्स ठीक है बाकी इन दिस पर्टिकुलर केस मैं यूजुअली ऐसा वो सोच लेता हूं। मैं यूजुअली ऐसा वो सोच लेता हूं कि अगर कोई भी कॉस्ट

कोई कॉस्ट अगर आप लोगों को पर किलोमीटर है या से पर टन वगैरह है ओके तो, costs, we'll cost, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बस अपने किलोमीटर please, लिखो अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ना जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर वो बनाएंगे ओके तुम लोग अगर चाहो तो इसके लिए ये वाला टर्म ये वाला लाइन हमेशा यूज कर सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट अच्छा सुनो द वन थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट इनफैक्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि जो भी गलती है ना शायद उसी की वजह से हुई जब भी तुम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे ना तुम लोग एक पीरियड के लिए बनाओगे ठीक है वो पीरियड तुमको जो मर्जी है सिलेक्ट कर लो लेकिन लिख दो बस मेरे लिए पास कोई रूल नहीं है ये सब चीजों का मैं क्या करता हूं जब सम पढ़ता हूं ना तब मैं देख लेता हूं। अगर ज्यादातर खर्चे पर एनम दिए हुए हैं ना आई ट्राई टू मेक द स्टेटमेंट पर एनम अगर ज्यादातर खर्चे पर मंथ दिए हुए आई मेक द स्टेटमेंट पर मंथ ठीक है लेकिन जो भी है एक बार फिक्स कर लो

एक साल के लिए ना तो यहां पे ना लिख दिया करो ताकि सिली मिस्टेक ना हो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन ईयर लिखो जरा प्लीज थियोरी के लिए नहीं 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 देर इज नो थियरी दैट्स रिक्वायर्ड ओनली फॉर दिस चैप्टर चलो सुन आ, तो क्या करेंगे एक पर्टिकुलर उसके बाद सबसे पहले न्यू स्मॉल कार ओल्ड बिग कार अप्रॉक्सीमेटली आठ या नौ दस लाइन के आसपास का बना लेना दैट शुड बी ओके चलो सन सबसे पहले यहां पे जरा लिखना फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को ना कई बुक्स स्टैंडिंग चार्जेस भी बोल देता है मतलब ये वाले खर्चे तब भी होंगे जब कार नहीं चलता है स्टैंडिंग चार्जेस और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको वो लोग रनिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं कि वो वाले खर्चे तब होते हैं जब कार चलता है ठीक है अच्छा इस चैप्टर के लिए ना प्लीज कैल्सी अपने पास रखना और जब मैं बोलूं तब थोड़ा सा जल्दी यूज करना और कुछ नहीं है ठीक है तो सबसे पहले इधर डिप्रीसिएशन खुद को ये वाला चीज बार बार बोलते रहना आई वॉन्ट द कॉस्ट फॉर वन ईयर न्यू स्मॉल कार का डेटा स्क्रीन पर देखो मेरे को तुम लोग आंसर बताओ रिलेटेड रिलेटेड ये कॉस्ट है बेटा 6, 7, हाँ ये कॉस्ट है ये स्क्रैप वैल्यू है या सेल वैल्यू है आफ्टर फाइव इयर्स तो डिवाइड बाय फाइव इयर्स तो तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा ठीक है तो इंडिविजुअल कैलकुलेशन वो कर रहा हूं तो आ, यहां पर ही वो आंसर वो लिखूंगा ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड जो कैसे आया वन लैख फोर्टी थाउजेंड लेस सेवेंटी सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव बाद दूसरी जगह का भी कंप्यूट कर लेना और लिख लेना आई एम शोइंग द क्वेश्चन नाउ चलो सर अभी क्या करो फर्स्ट कॉस्ट इज डन सेकेंड और थर्ड ये देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये भी पर एनम ही है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ये भी पर एनम ही है बेटा ओके okay. तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही करो ना तुमको भी एक साल का चाहिए ये भी एक ही साल का है जस्ट कॉपी पेस्ट दीज पर्टिकुलर टू थिंग्स एट एट सेकेंड कॉस्ट एंड थर्ड कॉस्ट प्लीज और उसके बाद टोटल मार लेना और कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है उसको रोमा नंबर वन बोल देंगे कॉपी कर लो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस चलो सर मेरे को टोटल से एक बार बता देना फिक्स कॉस्ट का टोटल वो कितना थाउजेंड चलो ठीक है यहां पे अभी लिखिए सेकंड वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के अंदर यहां पे तुम लोग इसका ऑल्टरनेट नाम भी ही लेना नेक्स्ट टाइम से ये दोनों नाम नहीं लिखेंगे कोई भी एक नाम लिखेंगे तो चल जाएगा रनिंग कॉस्ट अच्छा रनिंग कॉस्ट जो है एक ही कॉस्ट है बेटा पेट्रोल कॉस्ट चलो सुनो पार्ट ए के अंदर इन लोगों ने क्या बोला कि हम लोग दस हजार किलोमीटर ट्रैवल करेंगे ठीक है सम देखो मेरे को एक साल का न्यू स्मॉल कार का पेट्रोल कॉस्ट बताना फोर्टीन थाउजेंडो थाउजेंड करेक्ट कर एक का फोर्टीन थाउजेंड आएगा और दूसरे का वो देख लेंगे लेकिन सुनो ऐसा ही वो करेंगे ना टेन थाउजेंड है ट्रैवल करने का है डिवाइडेड बाय मारुति के आर्ट्स का एक फेवरेट क्वेश्चन कितना देती है तो कितना देती है बेटा टेन किलोमीटर्स तो ये एवरेज हो गया तो इतने लीटर ऑफ पेट्रोल का जरूरत पड़ेगा ठीक है इन टू फोर्टीन रुपीज पर लीटर पेट्रोल विल बी कॉस्टिंग फोर्टीन रुपीज पर लीटर तो ये आ जाता है फोर्टीन थाउजेंड से ट्वेंटी हम्म तो बाजू वाले वाला भी जो कैलकुलेशन है वो लिख लेना और यही तुम्हारा रोमन नंबर टू हो जाएगा क्योंकि और कोई यहां पर रनिंग कॉस्ट नहीं है टेन थाउजेंड किलोमीटर्स ओल्ड बिक कार एवरेज कम देती है सात रुपए का इन टू पेट्रोल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना यार या उस कार में डालो या उस कार में डालो ट्वेंटी थाउजेंड यहां पे लिखिए टोटल कॉस्ट वन प्लस टू थर्टी सेवन सिक्स हंड्रेड मेरे को कॉस्ट पर किलोमीटर चाहिए तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ किलोमीटर्स तो पूरे साल के ना दस हजार किलोमीटर्स होंगे तो दिस विल गिव यू कॉस्ट पर किलोमीटर रुपीज थ्री पॉइंट सेवन सिक्स थ्री पॉइंट फोर तुम लोग को अगर रुपी का साइन बराबर से बन जाता है तो वो डाल दिया करो अच्छा क्वेश्चन क्या ना अगर पूछा होता है ना प्लीज आंसर इट विच ऑफ द थ्री ऑल्टरनेट्स विल बी द चीपेस्ट तो अपने कंक्लूजन के तौर पर लिखना पड़ेगा तो टैक्सी वाला कॉस्ट तो थ्री पॉइंट सिक्स ही रहेगा ओल्ड बिग कार का थ्री पॉइंट फोर होगा न्यू स्मॉल कार का थ्री पॉइंट सेवन सिक्स तो दिस विल बी द चीपेस्ट ओके तो यहां पर लिख के रखना ऑप्शन ऑफ परचेजिंग ओल्ड बिग कार will be the cheapest option of purchasing the old big car will be the cheapest चलो सुनो मैं अभी तुमको पार्ट बी के लिए कुछ बोल नहीं रहा हूं

फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन ये वो डेप्रिसिएशन का ना अभी वर्किंग फिरसे वगैरह दिखाने की कोई जरूरत नहीं लेकिन fatt याद रखना नंबर ऑफ किलोमीटर थाउजेंड ओके सो देट थिंग विल भी चेंजिंग ओके आप लोग टाइटल दो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन ईयर एग्जैक्टली ऐसे ही स्टार्ट करो तुम्हारे पास तीन मिनट है खत्म कर देना ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन ईयर प्लीज स्टार्ट प्लीज फिनिश और कंक्लूजन लिख देना जैसे फर्स्ट टाइम लिखा था टू पॉइंट सिक्स फोर टू पॉइंट सेवन फोर आएगा हम yes, तो hmm. लिख देना परचेजिंग न्यू स्मॉल कार इज अ बेटर ऑप्शन चल आई होप एवरीबडी एज फिनिश प्लीज कंक्लूजन उधर लिख देने का प्लीज परचेजिंग न्यू स्मॉल कार इज अ बेटर ऑप्शन ठीक है चल जॉब डन अभी क्वेश्चन नंबर टू पढ़ के तुम लोग को पता तो चल जाएगा वो वाला क्वेश्चन वो मैंने ही बनाया है आ, मैं नहीं पढ़ रहा हूं तुम लोग क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो तुमको एक मिनट दे रहा हूं मेरे को तुम लोग आंसर बताओ ये क्वेश्चन उस जमाने का है जब भी ऐसे चार्जेस होते थे कॉल करने के लिए को मैसेज करके वो आंसर बताना प्लीज मेरे को अलग अलग बिल बताओ मेरे को दोनों मंथ्स का इकट्ठा मत बताना मेरे को अलग अलग बता दो अलग अलग बता दो तने एक दैट्स ओके okay, तो आई अंडरस्टूड आगोश बेटा थोड़ा सा पढ़ ले सम प्रथम आप किस चीज का आंसर दे रहे सुनो यू हैव टेकन अ प्लान फ्रॉम वोडाफोन फॉलोइंग टारे फिक्स कॉस्ट पर मंथ फोर हंड्रेड वेरिएबल कॉस्ट पर मिनट रूपीज टू यू स्पोक टू योर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड इज एप्लीकेबल टू बॉयज बॉयफ्रेंड इज एप्लीकेबल टू गर्ल्स ऑल दो आजकल तो कुछ भी होता है ऑन फोन फॉर थ्री हंड्रेड मिनट्स इन मार्च एंड टू हंड्रेड इन अप्रैल कैलकुलेट द बिल फॉर टू मंथ स्टार्ट टू डू द थिंग्स ओके तो अपने बिल ही चाहिए बिल फॉर टू मंथ ठीक है अपने को कुछ पर मिनट वगैरह वो कुछ नहीं चाहिए अपने टोटल बिल ही चाहिए ना यार ओके okay, तो स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर लिखो जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर टू अभी ऑब्वियसली एग्जाम का क्वेश्चन वो नहीं है एग्जाम के अंदर तो नहीं आने वाला है ठीक है तो यहां पर मार्च अप्रिल तुम बात नहीं भी करो झगड़ा हो गया तो भी हजार रुपए का बिल तो तुम्हारा आएगा ही आएगा प्लस हर मिनट बात करेगा तो दो रुपए का बिल आता है तो तीन सौ मिनट बात किया दो सौ मिनट बात किया सॉरी 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 ये फोर हंड्रेड ये फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड हाँ वो नेक्स्ट वाला पढ़ लिया सॉरी फोर हंड्रेड फिक्स्ड और उसके बाद 300 हंड्रेड मिनट्स टू हंड्रेड फॉर एवरी मिनट टू रूपीस तो ये आ गया रुपीज थाउजेंड ये आ गया रूपीज एट हंड्रेड चलो अभी ये वाला फालतू क्वेश्चन मैंने क्यों डाला क्योंकि क्वेश्चन नंबर थ्री आने वाला था वो भी ऐसा ही है ओके बट जस्ट ये वाली चीजें अपने बाद में काम में आ जाएंगे यू हैव टेकन अ प्लान फ्रॉम वोडाफोन विद बोडाफोन फॉलोइंग बिल फॉर मार्च एंड अप्रैल मार्च बिल हजार रुपए का आया अप्रैल बिल एट हंड्रेड रुपीज का आया ठीक है अभी वेन यू आर डूइंग क्वेश्चन नंबर थ्री नो प्लीज इरेज द मेमोरी ऑफ क्वेश्चन नंबर टू मेरे को बोलो क्वेश्चन नंबर टू के ना तुम्हारा आंसर कितना आया था तुमको नहीं याद तुमको नहीं याद इरेज दैट क्वेश्चन फ्रॉम योर माइंड मैंने वो ही तो बोला अभी अभी आगे यू हैड स्पोकन टू योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ऑन फोन फॉर मिनट्स मिनट्स इन मार्च एंड इन अप्रैल ओके ऐसा क्वेश्चन कभी पहले पढ़ा हुआ है नहीं दिस फर्स्ट टाइम एवर वी आर रीडिंग सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दीज वर्ड्स आर कंप्लीटली न्यू फॉर अस ओके फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आगे नाउ फोन सोल्व बाई इक्वेशन एंड अदरवाइज चलो ठीक है सो लेट्स ना इन दिस केस नो अभी उन लोगों ने क्या किया दोन एज अ बिल फॉर मार्च एंड अप्रिल और उन लोगों ने आगे क्या लिखा हुआ है वो देखना जरा फाइन प्लान मतलब वोडाफोन तुमको किस रेट के हिसाब से पैसे चार्ज करता है अज्यूमिंग दैट इज ओनली रेंटल एंड चार्ज फॉर टॉकिंग ऑन द फोन तो इसके अलावा और कोई कॉस्ट वोडाफोन तो चार्ज नहीं करता ठीक है तो हजार रुपए का बिल आया आठ सौ रुपए का बिल आया यू ब्रेक इट अप अपू टू पार्ट ओके वन इज फिक्स वन इज वेरिएबल ठीक है अभी ऑब्वियसली आंसर तो वही आने वाला है जो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आया था लेकिन तुमको क्वेश्चन नंबर टू या, याद ही नहीं तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा फिर ओके तो लिखो जरा प्लीज लेट द फिक्स चार्जेस बी रूपीज एक्स श्रीधर वो करेक्ट है बेटा लेकिन दस बार मत लिखो सुनो लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स ठीक है आगे लेट वेरिएबल चार्जेस अच्छा वेरिएबल चार्जेस आई आल राइड ऑन पर मिनट बी वाई तो सबसे पहले मार्च अच्छा मार्च के अंदर अपना बिल जो है हजार रुपए का आया था इस हजार रुपए के अंदर यू मस्ट हैव पेड फॉर फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कितना लिया है एक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पर मिनट कितना लिया है वाई तो मेरे को जरा बोलो मार्च के अंदर कितने मिनट्स बात किया बेटा तूने थ्री हंड्रेड सो देखो यह आ जाएगा थ्री हंड्रेड वाई इधर आ जाएगा अप्रैल को अप्रैल का इक्वेशन जरा बोलो एक्स प्लस टू हंड्रेड वाई प्लस टू हंड्रेड ठीक है सब कर रहा हूं तो 200 हंड्रेड इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा 100 वाई वाई इज इक्वल टू रुपीज टू पर मिनट ये रूपीज टू पर मिनट को इधर डाल देना तो एक्स का आंसर कोई भी इक्वेशन के अंदर वो डाल दो बेटा एक्स का आंसर तो सेम ही आएगा 400 अच्छा सुनो नाउ नो ठीक है तो इक्वेशन वगैरह बच्चा वे कोई इक्वेशन से वो करता है तो उसको बोलने का, किड सो लेट्स सॉल्व इट बाय स्लाइटली मच्योर वे ओके देखो मार्च के अंदर बिल हजार था अप्रैल के अंदर बिल आठ सौ मेरे को बोलो क्यों हुआ देट क्योंकि देट कम बात किया तो ये जो चेंज इन टोटल कॉस्ट है ना हाँ ये जो हजार और आठ सौ का फर्क है ना दिस इज ड्यू टू फिक्स चार्जेस के वेरिएबल चार्जेस जितना फिक्स बेटा हजार के अंदर है उतना ही फिक्स तो आठ सौ के अंदर भी है तो अभी क्या बात करूं तो फिक्स फिक्स तो इन एनी केस आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो ये जो दो सौ रुपए का बिल फॉल हुआ ये फॉल हुआ क्योंकि हम लोगों ने सौ मिनट कम बात किया देखो तुमको दो चीजें मैंने बता दिया मेरा बिल मार्च से अप्रैल दो सौ रुपए से कम हुआ दो सौ रुपए से क्यों कम हुआ क्योंकि मैंने सौ मिनट कम बात किया तो मतलब पर मिनट मेरा टैरिफ कितने रुपीज का होता होगा टू रुपीज ओके okay. तो यहां पे आप लोग लिख के रखो ये डायरेक्ट काम ही करेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट पर मिनट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड ये चेंज का वो साइन होता है यू वॉल कैन यूज इट्स ओके डिवाइडेड बाई चेंज इन मिनट तो हजार रुपया था आठ सौ रुपये हो गया थ्री हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड रूपीज टू पर मिनट बस इससे अपना काम हो जाता है एक बार रुपीज टू पर मिनट आ गया ना किसी भी डेटा के ना सब्सिट्यूट कर दो सपोज मार्च का अपना बिल हजार रुपए था तब तीन सौ मिनट के लिए बात किया था हर मिनट के लिए दो रुपया पे किया जो इधर कंप्यूट किया तो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कितने रुपीस का दिया रहेगा 400। अच्छा ये जो चीज है ना ये जो चीज है मैं इसके बाद इसको कोई ग्रेट चीज नहीं बोलने वाला ये वाला तुम्हारे पूरे कॉस्टिंग के अंदर मिनिमम पंद्रह बार और आएगा ठीक है फटाफट ऐसे करके कंप्लीट कर देना दीज आर नॉट सम बिग एडजस्टमेंट दीज आर स्मॉल टिचू लिटिल थिंग्स ठीक है तो ये चीज इसके बाद कभी भी आए फाइनल सीए के अंदर भी आता रहेगा ठीक है सो दीस थिंग्स शुड बी वेरी नॉर्मल टू यू फ्रॉम नाउ हाउ टू ट्राई टू सेग्रीगेट इक्वेशन वगैरह वो सब कुछ के चक्कर के ना तो पढ़ने का ही नहीं यू डू इट ऑफ लाइक दिस दैट थिंग इज मोर ठीक है अभी इसके बाद मैंने ना तकरीबन चार या पांच क्वेश्चन और रखे हुए हैं टू ब्रिंग आउट सम सॉलिड कंसेप्ट ठीक है अब ये सॉलिड कंसेप्ट क्या है ध्यान से अभी जरा सुनना ध्यान से सुनना देखो बराबर से सुनाओ प्लीज तुम्हारा सीए इंटर का एग्जाम जो है ऐसा सोचो कि हो गया ऐसा सोच लो तो सोचने के अंदर क्या जाता है ठीक तो सीए इंटर का एग्जाम हो गया तुम्हारा ठीक है उसके बाद जब तक रिजल्ट आया करने के लिए कुछ था नहीं तो सोचा वेकेशन एक महीने का मैं बनाएगा तुम लोगों ने ऐसा सोचा जिंदगी के डेढ़ साल तो बेकार हो गए ओके फाउंडेशन और इंटर के अंदर ओके अभी एक महीने की मैं छुट्टी बिताएगा उसके बाद तीन साल और बर्बाद होंगे क्योंकि आर्टिकल शिप स्टार्ट होगा तो चलो एक महीने का छुट्टी बनाते हैं वन लास्ट हॉलीडे बिफोर आई बिकम अस ए तो तुम लोग होटल के अंदर गया ठीक है एक महीने की छुट्टी के लिए तो कोई एक होटल अच्छा लगा तो वो चला गया अंदर वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट थी उसको पूछा वट इज द रेट रेट मतलब रेट ऑफ द रूम और कुछ फालतू चीज नहीं सोचना अभी ठीक है नौ मेल रिसेप्शनिस्ट था ठीक है मेल रिसेप्शनिस्ट अभी तुमको जो सोचने का है वो सोचो ठीक है तो उस मेल रिसेप्शनिस्ट को पूछा वट इज द रेट उस बंदे ने बोला रेट इज फोर थाउजेंड रुपीज मेरे को बोलो फोर थाउजेंड रुपीज तुम उसको दोगे होटल तेरा हो गया क्या नहीं इट विल बी फोर थाउजेंड आगे कुछ बोलो ना इन बी फोर थाउजेंड आगे बोलो ना चलो पर डे हो गया ठीक है चलो फोर थाउजेंड रुपीज पर डे हो गया सपोज दैट पर्सन से सर चार्जेस आर फोर थाउजेंड रुपीज पर डे इन दैट वन डे यू विल गो एंड स्लीप इन ऑल द रूम्स और वॉट नहीं ना यार ऑब्वियसली इट विल बी फोर थाउजेंड रुपीज पर रूम सर ओके बट इट कैनॉट बी ओनली फोर थाउजेंड रुपीज पर रूम नो यू विल स्टे इन दैट रूम फॉर फोर थाउजेंड रूपीज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और वॉट नो नो ओके सो ऑब्वियसली मेरे को बोलो करेक्टली इट विल बी फोर थाउजेंड तो आगे कुछ बोलो ना अभी कुछ बराबर बोलो ना यार पर मेरे ख्याल से इट शुड बी फोर थाउजेंड रुपीज पर रूम पर डे पर रूम पर डे So, if you occupy one room for one day, okay, then you have to be paying 4000. This we start to call it from now in slightly a polished way. We say the charges are 4000 rupees per room day. What do you mean by one room day? Whenever one room is occupied for one day, that composite unit will be called as one room day. Is this understood? तो वन रूम डे क्या होता है वन रूम डे क्या होता है वेन एवर वन रूम इज ऑक्यूपाइड फॉर वन डे ओके इट इज कॉल्ड एज वन रूम डे ठीक है अभी आगे ध्यान से सुनना अभी ऐसा चीजें हर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है हर इंडस्ट्री के अंदर इसे ना टू रिकवर द मनी फ्रॉम द कंज्यूमर्स बिकम्स वेरी इजी क्यों बोलते सर कैसे अभी वो जो बंदा है ना वो तुम लोगों से दो ही क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन कितना रूम मांगता है सपोज यूर ग्रुप ऑफ फाइव फ्रेंड्स एंड यू वॉन्ट थ्री रूम सो दे रूम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोलो वो बंदा तुम लोगों से क्या पूछेगा कितने दिन तक तो टिके रहोगे तो इधर ही ओके okay. तुम बोलता है हम लोग इधर उन्नीस दिन रहेगा ओके सो दे फोर इन टू नाइनटीन डेज दिस विल बी नथिंग बट द टोटल चार्ज इज लै टू पे टू दे वट इज वन रूम डे वेन एवर वन रूम Is occupied for one day, that composite unit is going to be called as one room day. Aisa in real life, use hota hai industries ke andar. Okay. Because you want to charge the customer based upon rooms also. You want to charge the customer based upon days also. So, therefore, we came across a fund of room days. Okay. Now, last time, what is one room day? वन रूम डेज वेन एवर वन रूम इज ऑक्यूपाइड फॉर वन डे एंड फ्रॉम नो दैट रूम डेज आर कॉम्पोजिट यूनिट्स कॉम्पोजिट यूनिट्स मतलब मोर देन वन हम लोग सिर्फ डेज का फंडा यूज नहीं कर रहे हम लोग सिर्फ रूम्स का फंडा यूज नहीं कर रहे हम लोग रूम डेज का फंडा यूज, यूज कर रहे हैं ऐसा कॉम्पोजिट यूनिट्स ना दुनिया के अंदर हर इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज होता है देखो नेक्स्ट वाला तुम लोग शायद बोल पाओगे तो होटल्स के अंदर देर इज अ फंडा ऑफ रूम डेज ठीक है होटल्स के अंदर देर इज अ फंडा ऑफ रूम डेज ठीक है ट्राई टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स नाउ से हॉस्पिटल्स मेरे को बोलो हॉस्पिटल्स के अंदर सपोज एग्जाम हुआ तो तुम लोग छुट्टी के लिए गए ओके okay. तो होटल का एग्जाम्पल दिया रिजल्ट आया तो हॉस्पिटल में गए ओके okay. मेरे को जरा बोलो हॉस्पिटल के अंदर जो तुम्हारा चार्जेस होगा विल बी बेस्ड अपॉन इट विल बी से समिंग लाइक बेड पर डे ओके पर बेड पर डे ना यहां पर देर इज अ फंडे ऑब्वियसली एक बंदा तो एक ही बेड लेगा और कितने डेज के लिए तो वो रहोगे सपोज लाइक यू नो इन यू गो टू सम हॉस्पिटल ओके वहां पर बाहर लिखा हुआ था द चार्जेस आर थ्री हंड्रेड रुपीज पर बेड पर डे ओके सो फॉर ये थ्री हंड्रेड पर बेड पर डे का मतलब क्या है कि इन दिस केस नो अगर एक बेड एक दिन के लिए ऑक्यूपाई करोगे तीन सौ हैव टू बी पेइंग ठीक है ऑब्वियसली द टोटल चार्जेस दैट यू विल हैव टू बी पेइंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन टू थिंग्स ओके कितना बेड्स कितना डेज ऑब्वियसली अगर तुम लोग एक बंदा है तो एक ही बेड होएगा ओके अगर पांच छह लोगों का रिजल्ट बहुत बुरा आया था तो फिर तो पांच छह बेड्स इन टू वट एवर द नंबर ऑफ डेज ठीक है फॉर हॉस्पिटल्स इट इज नाथिंग बट बेड डेज ओके अभी बराबर से सुनना मैं क्या बोलता है मैं बेड डेज यूज करेगा फॉर हॉस्पिटल्स आईसीए जो है ना वो लोग बेड डेज के बदले में ये वाला वर्ड वो लिखता है पेशेंट नाइट ओके अभी ऑब्वियसली वन थिंग अभी बेड डेज एंड पेशेंट नाइट सेम होनी ऑब्वियसली अभी एक बेड के ऊपर बेटा एक ही पेशेंट होएगा ओके वो हॉस्पिटल है वो होटल नहीं है ठीक है एंड ऑब्वियसली आई अज्यूम जो बंदा दिन में उधर टिकेगा आगे बोलो रात को, को भी वो उधर ही रहेगा ठीक है सो so, दे तुम लोग या ये टर्म यूज करो या ये मेरे को ये टर्म बोलने के लिए थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगता है वो रंगीली रातें टाइप लगता है ओके तो इसके लिए आई डोंट यूज दैट पर्टिकुलर टर्म ओनली ठीक है तो हम लोग बेड डेज ही वर्ड यूज करेगा तो वी विल बी स्लाइटली सोबर ओके ये हो गया होटल्स ये हो गया हॉस्पिटल्स ठीक है अभी इसके बाद तुम लोग अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट करो आई एम गिविंग यू ऑल दो ऑल आर वेल अवेयर ओके होटल्स का दिया हॉस्पिटल्स का दिया मेरे को जरा बोलो जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं जो गुड्स कैरी करती हैं गुड्स 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 मतलब जो कोरियर कंपनी कभी भी कोरियर करवा रहेगा द चार्जेस दैट यू पे मेनली डिपेंड अपॉन टू थिंग्स मेरे को बोलो विच टू थिंग्स वेट एंड डिस्टेंस ओके ऑल दो आजकल एक नया कैटेगरी भी आया हुआ है कि यू वॉन्ट द कोरियर टू बी डन ऑन अर्जेंट बेसिस और नॉन अर्जेंट बेसिस तो एक्चुअली देर कुड बी अ ट्रिपल क्राइटेरिया ऑल्सो लेकिन आईसी अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा है सो वील नॉट गोइंग टू दैट तो यहां पर एक फंडा आ जाएगा कॉल्ड एस टन किलोमीटर कॉल्ड एस टन किलोमीटर्स सपोज लाइक यू नो तुम लोग से मुंबई से पुणे शिफ्ट हो गए तुमको तुम्हारा घर का सामान मूव करवाने का था फ्रॉम लाइक नो द पैकर्स एंड मूवर्स तुम लोगों ने उसको पूछा कि चार्जेस कितना है दे से आर चार्जेस आर फिफ्टी पर टन पर किलोमीटर उसका मतलब क्या है इफ यू एवर यूज देयर सर्विसेस एंड पुट द गुड्स इन देयर ट्रक फॉर एवरी टन फॉर एवरी किलोमीटर यू हैव टू बी पेइंग वन फिफ्टी

तो आई हैव टोल्ड दिस वंस बिफोर ऑल्सो टन का स्पेलिंग विल बिकम टी ओ एन ऑल्दो वहां पर टन का मतलब भी कुछ और ही होता है और किलोमीटर्स के बदले में माइल्स आ जाएगा ठीक है तो इन यूएसए यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ़ अ मीनिंग आल्सो टन माइल्स ओके ये हो गया फर्स्ट ये हो गया सेकंड यह हो गया थर्ड अभी उसके बाद फोर्थ ट्रांसपोर्ट सेक्टर विच कैरीज दैसेंजर्स ठीक है

तो वहां पे ना वी अराइव एट अ फंडा दैट इज कॉल्ड एज पैसेंजर किलोमीटर दैट इज कॉल्ड एज पैसेंजर किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर्स का मतलब मैंने कंडक्टर को पूछा भाई टिकट का रेट क्या है वो बोलते हैं साहब इट इज रुपीज फाइव पर पैसेंजर किलोमीटर रुपीज फाइव पर पैसेंजर किलोमीटर का मतलब क्या होएगा वन पैसेंजर आगे बोलो ना तुम लोग ट्रेवल्स फॉर वन किलोमीटर यू पे रुपीज फाइव ठीक है कंडक्टर एक ही चीज पूछेगा और वो एक चीज क्या पूछेगा तुम लोग कितना लोग है तो तुम लोग बोलते हो सपोज वो ग्रुप ऑफ टेन फ्रेंड्स इंक्लूडिंग यूर सेल्फ सो कितने किलोमीटर्स वो जाने का है तुम लोग बोलता है एट किलोमीटर दिस विल बी द टोटल चार्ज एट बी गुंड ठीक है अच्छा उसके बाद यहां पर एक और चीज थिएटर्स ठीक है चलो ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है ये वाला पार्ट मेरे को बोलो थिएटर के अंदर जो तुम लोग टिकट लेते हो दैट टिकट इज एप्लीकेबल फॉर आगे कुछ बोलना ना अच्छा दैट टिकट इज एप्लीकेबल फॉर वन पर्सन फॉर वन शो ओके इट इज एप्लीकेबल फॉर वन पर्सन फॉर वन शो तो थिएटर्स के अंदर किसी बंदे ने सोचा कि ये वाला टर्म यूज करेंगे इस टर्म को उन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया मैन शो ओके मतलब वन मैन वॉच इज वन शो वॉट विल बी द चार्जेस ऑब्वियसली मैन विल इंक्लूड द वुमेन ऑल्सो अभी उसको तो वुमेन शो क्यों नहीं बोलते आई डोंट नो और मैन शो को लिटरली नहीं बोलने का मैन शो इट्स नॉट लाइक दैट ओके वन पर्सन वॉच इज वन शो ओके विल बी द टिकट रेट सपोज तुम लोग शोले देखने के, आ, के लिए गए तो फिर से ओके okay, तो सपोज जो आज का रेट था वो थ्री के अंदर वो रिलीज हुआ नया सो यू पे पेट से एट हंड्रेड एट हंड्रेड विल बी फॉर वन पर्सन फॉर वन शो एक शो देखने का है एक बंदे को चार्जेस विल बी एट हंड्रेड ऑब्वियसली टोटल अमाउंट जो तुम लोग पे करोगे दैट विल डिपेंड अपॉन कितने लोग हो और कितने शोज देखना चाहते हो ठीक है चलो दिस पर्टिकुलर वर्क इज डन ठीक है तो यहां पर देर विल बी फंडा ऑफ मैन शोज थिंग्स ट आर यूज इन रियल लाइफ अ लॉट ओके हाँ बोलो हाँ हो सकता है हो सकता है तो वैसा क्वेश्चन विल ऑल्सो बी कमिंग ठीक है लेकिन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिस्कसिंग दैट हाउ कैन इट वेरी इट कैन वेरी विद से अपर क्लास और अ बालकनी सीट वगैरह लेकिन अगर बाल्कनी सीट का भी रेट होगा इट विल बी रेट पर मैन पर शोनो

बाकी यू कैन बी नोइंग एस थियरी जो मैंने शुरू के अंदर तो वो लिखा हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट टू इंपॉर्टेंट ठीक है इन योर नोट बुक्स यू ऑल राइट डॉन प्लीज लिखो राइट ऑन फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ कॉस्ट रिपीट फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ कॉस्ट सुनो ये वाला चीज कॉपी कर लो जो स्क्रीन पे है ये जो ट्रांसपोर्ट गुड्स ऐसा ये जो लिखा हुआ ना टी गुड्स इसका फुल फॉर्म क्योंकि नेक्स्ट वाले के लिए भी वैसे ही करना ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैरिंग गुड्स जो नेक्स्ट वाला है इट विल बी ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैरिंग पैसेंजर्स ठीक है ये ऐसे ही ऑल रहे डॉक्टर ये वाला चीज लिखो तुम लोग हो गया बेटा yes, yes, चलो सो अभी मैं क्या करता हूं तुमको ना पांच में से एक का एग्जाम्पल दे देता हूं हाउ टू बी कंप्यूटिंग से चलो टन किलोमीटर कुछ भी एक चीज का एग्जाम्पल ट्राई टू गिव यू ऑल ताकि यू ऑल अंडरस्टैंड दिस उसके बाद आई विल हैव फाइव क्वेश्चन वन फॉर ऑल ऑफ देम ठीक है एक एक क्वेश्चन आई विल हैविंग फॉर ईच ऑफ द इंडस्ट्रीज हाउ टू कंप्यूट नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स एक मिनट वट इज वन टन किलोमीटर वेन एवर वन टन इज कैरीड फॉर वन किलोमीटर दैट कॉम्पोजिट यूनिट इज कॉल्ड एज ट्रक हैजन टोटली वन टन किलोमीटर ठीक है तो कुछ ऐसे एक ट्रक जो है मुंबई से पुणे गया ठीक है ये टोटल डिस्टेंस जो था वो 200 हंड्रेड किलोमीटर्स का था बीच में पनवेल भी आता है वन ऑफ द प्लेसेस इन मिडल इस पनवेल ठीक है तो बीच में पनवेल भी आता है आ, मुंबई टू पुणे ठीक है मुंबई टू पुणे अभी बराबर से सुना जो मैं तुम लोग को बोलता हूं ये वाला जो डिस्टेंस था 90 किलोमीटर था ये वाला जो डिस्टेंस था 110 किलोमीटर था इन ऑल 200 किलोमीटर था ठीक है ये लोग ना गुड्स कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनदर मुंबई टू पनवेल मुंबई टू पनवेल ट्रक जो था एट टन लोड कैरी कर रहा था मुंबई से पनवेल तक ठीक है पनवेल आया आठ के अंदर से दो टन पनवेल पर ही ड्रॉप करने का था तो आठ के अंदर से दो टन उधर ड्रॉप कर दिया और एक और टन किसी कस्टमर ने पनवेल पे दिया और बोला कि पूना में ड्रॉप करना ठीक है तो मेरे को जरा बोलो पनवेल टू पुना कितना टन लेके जाएगा वो सेवन सेवन टन ठीक है तो दो टन उतारा एक टन दिया ठीक है तो सेवन टन ठीक है अच्छा ये सात टन लेके पनवेल से पुणे पहुंचा ये सात का सात टन पुना के अंदर डिलीवर करने का था कर दिया ठीक है अभी ट्रक पुणे में खड़ा हुआ है उसको बॉम्बे भी तो वापस आने का है ठीक है पुणे से उसको एक कस्टमर मिला बोलता है मैं देखो टन सामान दे रहा है पनवेल में डिलीवर कर देना ठीक है मैं देखो सामान दे रहा है पनवेल में डिलीवर कर देना ओके तो ऐसा कुछ हुआ ट्रक जो है ये छे टन लेके पनवेल पहुंचा पनवेल के लिए छे टन था तो छे टन खाली कर दिया उसके बाद पनवेल से मुंबई उसको और कोई भाड़ा नहीं मिला वो खाली पहुंचा फ्रॉम पनवेल टू फ्रॉम पनवेल टू मुंबई ठीक तो मतलब वो कितना टन कैरी कर रहा था जीरो टन क्योंकि यहां पर उसको कोई लोड वगैरह वो नहीं मिला अगर कोई तुमको ऐसा क्वेश्चन देता है और बोलता है प्लीज कंप्यूट नंबर ऑफ

आर हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर्स इट विल बिकम सिक्स किलोमीटर टन किलोमीटर लास्टली एक आखिरी चीज भी यहां पर है और ऑब्वियसली वो क्या है कि जीरो टनस आर कैरीड फॉर नाइनटी किलोमीटर्स तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम कितना यार जीरो इफ सम्बडी विल आस्क मी सर जाकर वापस आते वक्त टोटल टन किलोमीटर्स कितना हुआ तो इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बिकम टू वन फाइव जीरो बस के एग्जाम्पल के लिए किया है एग्जैक्टली exactly सेम तुमको हर एक ना करने का है नंबर ऑफ रूम डेज विल बी नंबर ऑफ रूम्स इंटू नंबर ऑफ डेज दिस विल बी नंबर ऑफ बेड्स इंटू नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ टन इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स नंबर नंबर ऑफ ऑफ पीपल शोज हम लोग टली exactly यही वाला काम करने वाला है मेरे को एक बार सब लोग जरा कंफर्म करना दिस एग्जाम्पल यूल अंडरस्टूड ठीक है बस yes, इसी एग्जाम्पल को हम लोग पांच इंडस्ट्रीज के अंदर अप्लाई करके पांच अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व yes, कर रहे हैं ठीक है yes, और ये पांच क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने क्रिएट किए हैं इनफैक्ट अभी तक जो भी क्वेश्चन से ऑल दीज आर डन बाय मी ओनली ये पांच क्वेश्चन हो जाएंगे ना उसके बाद एग्जाम वाले क्वेश्चन विल स्टार्ट टू बी कमिंग ठीक है तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं मैंने टाइटल भी वैसा ही दिया है माई प्रॉब्लम टू स्टार्ट विथ कॉम्पोजिट यूनिट ओके तुम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ो दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द करंट क्वेश्चन दैट आई डिड अपना कैल्सी उठाओ कंप्यूट करो आंसर मेरे को टाइप करके देना प्लीज हाँ विजित वो करेक्ट है शायद एज फार एज माई मेमरी गोज इट इज करेक्ट तने करेक्ट है साक्षी करेक्ट है शायद दो जीरोज जी नहीं डाले बेटा सब लोग करेक्ट ही है महक दोषी आप गलत हो राज आप गलत हो आई वन आंसर टोटल शायद गलत हो तो. चलो विल स्टार्ट होने सुनो ट्रांसपोर्ट्स कंपनी कैरीज गुड्स फ्रॉम सिटी ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल ट्रक इज हंड्रेड किलोमीटर ऑन एवरेज ट्रक कैरीज ऑफ़ टेन टन्स ऑन इट्स आउटवर्ड जर्नी एंड जर्नी The truck travels to and fro six times in a day for 27 days in a month for nine months in a year. Compute number of ton kilometers for the entire year. Okay. एक लाइन के अंदर let's finish off the question only. तो यहाँ पर जरा लिख के रखो write down. This is question number four. Number of एक मैं टन की ना स्पेलिंग देख लेता हूँ बना मेरा एंड के अंदर ही पोपट होता है हमेशा तो दिस इज टी ओ एन एस चलो ठीक है नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स सृष्टि ध्रुव शायद गलत है बेटा प्रतिका शायद गलत है सुनो नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स दैट आल्सो वी वांट पर एनम तो सुनो मैं हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं ताकि मेरे ही तरफ से एरर कम हो ठीक है मैं ना सबसे छोटा चीज कंप्यूट करने का ट्राई करता हूं तो सोचो जब इधर से इधर जा रहा है जब इधर से इधर जा रहा है तो कितना किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर रहा है बेटा हंड्रेड किलोमीटर्स फिर उसके बाद कितना टन्स कैरी कर रहा है टेन ठीक है सुनो ये हो गई जाने की कहानी अभी वापस आने की कहानी प्लस हंड्रेड किलोमीटर्स इंटू फाइव काम खत्म हो गया यह हो गया एक बारी का जाना आना ऐसा दिन में कितनी बार होता है सिक्स टाइम्स ऐसा महीने में कितनी बार होता है ट्वेंटी सेवन डेज और ऐसा साल में कितनी बार होता है नाइन मंथ्स Fifteen hundred into six into twenty seven into nine. Twenty one lakh eighty seven thousand ton kilometers. Chalo, so. I want to be knowing how good you are in your thoughts. Question number four is done. तुम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ो दैट इज फॉर द नेक्स्ट इंडस्ट्री क्वेश्चन नंबर सिक्स का ना ये वाला पार्ट मत इजी ही है वाला चीज ट्राई करो आराम से दीज आर जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन शायद एग्जाम के अंदर वो नहीं आएंगे लेकिन ये वाली कैलकुलेशन अपने को आगे जाके क्वेश्चन करना वो काफी करनी पड़ेंगे ये वाला काम करो लोग के शायद आंसर्स वो करेक्ट ही हैं। हम्म, मेरे ख्याल से तो वो करेक्ट ही है, है तो हम लोग स्टार्ट कर ही लेते हैं सुनो अभी थोड़ा सा आई ट्राई टू कैच ऑन विद स्पीड बिकॉज यू हैव गॉट टाइम टू सॉल्व अ ट्रांसपोर्ट कंपनी कैरीज अ पैसेंजर्स फ्रॉम अंधेरी टू बैंड्रा कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 टू किलोमीटर ईच वे ऑल दो अंधेरी टू बैंड्रा का डिस्टेंस 32 टू किलोमीटर्स तो नहीं है लेकिन आगे Seating you, the bus is 50 एट टाइम्स इन लोड इन दिस ऑब्वियसली हैं और बैंड्रा टू अंधेरी भी फुल लोड है आगे फॉर 23 डेज इन मंथ फॉर 10 मंथ्स इन कंप्यूट नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर फॉर द एंटायर ईयर तो चलो ठीक है यहाँ पे वो लिखो जराव नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स पर एनम नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स पर एनम अच्छा तो मैं हमेशा सबसे छोटे डिस्टेंस से स्टार्ट हो जाता हूं तो 32 टू किलोमीटर्स वन वे तो 32 टू किलोमीटर्स जाएगा तभी कितना पैसेंजर्स है बेटा फिफ्टी पैसेंजर्स कैरिंग फुल लोड मतलब फिफ्टी लोग ही है ना, तो ये हो गया जाने का ठीक है अभी उसके बाद आने का मेरे ख्याल से आने की भी कहानी बिल्कुल सेम ही होने वाली है एक आई जस्ट पुट द थिंग्स इन वन लाइन ओनली। तो थर्टी टू इंटू फिफ्टी तो ये हो गया जाने का ठीक है और ये हो गया वो आने का ऐसा दिन में टेक्स्ट बुक के नजरा चेक करो कितनी बार होता है एट टाइम्स फिर ऐसा महीने के अंदर कितनी बार होता है ट्वेंटी थ्री और साल के अंदर कितनी बार होता है टेन आंसर वही आता है दैट यू ऑल हैव रिटन फिफ्टी एट लैक्स एटी एट थाउजेंड

नंबर ऑफ मैन शोज फॉर द इंटायरियर ये वाला जो पार्ट है ना देखो यहां पर जो ऑक्यूपेंसी है ना वो सेम है बेटा ओके जो ऑक्युपेंसी है वो सेम है चाहे वो जनरल सीट हो चाहे वो प्रीमियर सीट हो तो अगर मैं चाहूं इकट्ठा कैलकुलेशन भी कर सकता हूं अलग अलग करके भी एड कर सकता हूं आंसर जो है वो सेम ही रहने वाला है ठीक है मैं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ना कैलकुलेशंस जो है इकट्ठा ही कर लेता हूं तो आई कैन ट्राई टू बी सी इसका भी 70 परसेंट ऑक्यूपेंसी इसका भी 70 परसेंट ऑक्यूपेंसी मतलब इन ऑल 700 हंड्रेड सीट्स विल 70 परसेंट का ऑक्यूपेंसी ओके okay. तो यहां पर यू ऑल राइट डाउन नंबर ऑफ मैनशूज नंबर ऑफ मैन शो सो फाइव हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड तो सेवन हंड्रेड सीट्स एंड ऑल इन टू सेवेंटी परसेंट का ऑक्यूपेंसी एक मेरे को जरा बोलो दिस विल रेप्रेजेंट वॉट मेरे को आंसर मत बताना बोलो बट दिस विल रेप्रेजेंट वॉट बेटा आई थिंक नंबर ऑफ सीट ऑक्युपाइड इन वन शो ठीक है फॉर वन शो इन टू दिन का कितना शो होने वाला है सिक्स अच्छा दीज आर सिक्स शूज आगे अभी अगर देखोगे अपने को तो पूरे साल का चाहिए ना मेरे ख्याल से ओके okay. मेरे को बोलो पूरे साल तक पहुंचने के लिए अभी डायरेक्टली किसे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 365. सो so, 490 नाइनटी इंटू सिक्स इंटू थ्री सिक्सटी फाइव दिस इज वन जीरो सेवन थ्री वन जीरो जीरो मैन शोज सेकेंड सेकेंड जो अपना है सेकेंड जो अपना है वो क्या है अभी ये जो मैंने काटा था उसको वो निकाल रहा हूं वट वुड बी योर आंसर वट वुड बी योर आंसर इफ ऑक्यूपेंसी फॉर जनरल क्लास वॉज नाइंटी परसेंट एंड फॉर द प्रीमियर क्लास वॉर सिक्सटी परसेंट फॉर द इंटायरियर अब मेरे को अलग अलग काम ही करना पड़ेगा तुमको समझ आता है क्योंकि अलग अलग करके दिया हुआ है पहले कंबाइन कर सकता था अब मेरे को बोलो कि फर्स्ट केस के ना क्यों कम्बाइन कर सकता था टोटल no. जो ऑक्यूपेंसी था वो कॉमन थाबल टू द जनरल क्लास एज वेल एज द प्रीमियर क्लास ओके लेकिन अभी मेरे को अलग अलग ही करना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखिए जनरल क्लास एक लाइन छोड़ देना प्रीमियर क्लास अच्छा तो यहां पे 500 सीट्स हैं यहां पे 200 सीट्स हैं इनटू इनटू ऑक्यूपेंसी लेवल जो है 90 परसेंट है उसके बाद 60 परसेंट है इनटू इनटू कितना शोज बेटा सिक्स शोज

कर सकते हैं कंबाइन कैसे करेगी बेटा फाइव प्लस हाँ वोट वोट वो ठीक है लेकिन आप वैसे नहीं कर सकते जैसे पिछली बार किया था बस वो आपकी बात ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन अभी मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं तुम लोग ये वाला चीज जो है खत्म करना ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोग फेयर के अंदर ही खत्म करना ऐसे आप लोग चाहो तो लिखी दो नॉर्मल उसके बाद डीलेक्स उसके बाद एग्जीक्यूटिव और उसके बाद चेयरमैन तुम लोग अभी डायरेक्टली स्टार्ट ही करना कुछ रफ वगैरह कहना मत करना तुम्हारा वो करेक्ट ही होगा ट्रस्ट सेल्फ तो पॉइंट के अंदर बेटा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वन थाउजेंड इंटू नाइंटी परसेंट इंटू दीज आर द नंबर ऑफ रूम्स आर ऑक्यूपाइड इंटू थ्री सिक्सटी फाइव ना बस फिर उस एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ 400 हंड्रेड डिलेक्स एग्जीक्यूटिव 90 एंड 10 इंटू इंटू सेवेंटी एटी फाइव परसेंट एंड फोर्टी परसेंट कौन सा डेसिमल्स में आता है बेटा एक टू सेवन नाइन टू टू पॉइंट फाइव आता है ना हाँ, हाँ तो ठीक है यू कैन टेक इट ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर दैट्स ओके बोल बेटा सर इसमें जैसे रूम की कैटेगरी के हिसाब से तो अपने को पता चल गया कि 90% परसेंट सेवेंटी परसेंट एटी फाइव परसेंट किसका होगा बट एक्चुअली में इसमें नंबरिंग नहीं दिए ना सर नॉर्मल डीलक्स और एग्जीक्यूटिव के बाद पता चलेगा 70% और 85 है। ये वाले questions बेटा so 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 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन इसलिए यहां पर वो लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली मतलब अभी वेन आई हैड मेड आई थिंक दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर बट गुड ऑब्जर्वेशन चलो ये खत्म कर लो टोटल कितना आता है बेटा फोर सिक्स जीरो टू सिक्स फाइव अच्छा लास्ट वाला तुम लोग ट्राई करना जैसे होटल्स होता है वैसे हॉस्पिटल्स भी होता है अगर कुछ कंफ्यूजन होएगा तो पेंसिल के अंदर लिखना बोल बोल 365 है कर सकते हो सोट्स ओके एडवांस अब इट नो मेरे को calculations ऐसा अलग वो करना पड़ेगा, ताकि आंसर्स कैन कम इसलिए फ्रॉम बिगिनिंग आई एम ट्राइंग टू हैव दैट है कुछ कॉमन होता है देन यू कैन कम्प्यूट ऑल दीज थिंग्स वन जस्ट मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्सटी फाइव जो आंसर है वो वही आ जाएगा ठीक है टोटल टोटल गलत है तो बोल दो कि करेक्ट फोर सिक्स जीरो जीरो एट थ्री चलो ठीक है अभी ये वाला थोड़ा सा डाइसी चीज है तुम लोग सोचने का ट्राई करना एक मिनट मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं और किसी को डबल ऑक्यूपेंसी का मतलब वो नहीं मालूम मैं एक एग्जाम्पल देता हूं अभी 2002 थाउजेंड टू वेन आई क्लियर उसके बाद जो मेरा आर्टिकलशिप का पैसा था ओके okay, उसको बचा के आईड गॉन टू पैरिस ओके तो घूमने के लिए फॉर वन मंथ अभी वहां पे मैं जिस लॉज के अंदर रहा फोर बीच में सिक्स टू सेवन डेज तो वहां पर देवा फोर बेड्स ओके एवरीबडी हैड टू बी मिलाकर पेइंग हंड्रेड डॉलर पर डे ओके यहाँ जो पेरिस के अंदर क्या करेंसी थी यूरो 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 तो इन दैट केस तो हंड्रेड यूरोस पर डे हम चारों को मिलाकर तो वो देने का था ओके तो दैट इज लाइक यू नो वी ऑल हैड पेड हंड्रेड यूरोस फॉर फोर पीपल को ऑक्यूपेंसी अगर तीन होते इल गेट डिवाइडेड बाई थ्री बट वी हैव टू बी पेइंग दैट मच ओके शायद थोड़ा बहुत आइडिया वो लग जाए इससे तो अगर किधर डबल ऑक्यूपेंसी वो लिखा हुआ यू कैन ऑलवेज बी अज्यूमिंग कि दो लोग उसके अंदर ठीक है तुम लोग आराम से पढ़ो ये वाला आंसर देने का ट्राई करना और ये वाला एग्जाम्पल पता नहीं ये होटल इंडस्ट्री ये हॉस्पिटल है ना मैं स्टार्ट करता हूं यार छोड़ो यार छोड़ो 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 हॉस्पिटल हैज 210 रूम्स

अच्छा जनरल वार्ड जैसा एक ही रूम है फिर 150 फिफ्टी डबल ऑक्यूपेंसी वाले हैं 50 रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले हैं और उसके बाद 10 जो है सूट्स हैं ठीक अपने को क्या कंप्यूट करना है बेटा बेड डेज फॉर द अपने को बेड डेज मांगता है बेड बेड डेज डेज वो कैसे कंप्यूट होगा, यार? कैसे कंप्यूट होगा? को बोलो जनरल वार्ड का अपने पास एक ही हॉल टाइप है ठीक है उसके कितने बेड्स होते हैं बेटा वन फिफ्टी डबल ऑक्यूपेंसी में कितने बेड होंगे टू सिंगल ऑक्यूपेंसी में कितना होएगा वन अभी मेरे को बोलो सूट्स के अंदर तो कितने बेड्स हुएंगे वन ही होएगा ना बेटा सूट इस लग्जरी हॉस्पिटल इट्स एक्चुअली मोर लाइक अ होटल होनी ओके तो इनटू वन इनटू 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 अभी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्यूपेंसी से तो जनरल वार्ड की नाइनटी परसेंट फिर सिक्सटी परसेंट फॉर डबल ऑक्यूपेंसी फिर सेवेंटी परसेंट फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी एट्टी परसेंट यह ऑब्वियसली शायद एक दिन की ऑक्युपेंसी है मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्सटी फाइव चलो ये कंप्यूट करके बेटा ऐड कर देना सर शूट पूरा साल का ही है हाँ बेटा ये सारे जो हैं ये एक साल के ही है बेटा सारा का सारा ये जो भी है वो एक साल का ही है वेन से इट इज 90% फॉर जनरल वार्ड इट इज 90% मतलब इट इज 90% ऑक्यूपाइड फॉर द एंटायर ईयर ओनली बस वहां पे एक अलग से लाइन डोज गाइस हैव गिवन लेकिन ये भी पूरे साल साल का ही है आगे जाके क्वेश्चंस के अंदर ना जैसे ये वाला लाइन शायद बाद में अपने को कैसे काम में आ जाए होटल सेक्टर के अंदर सीजन के हिसाब से ऑक्यूपेंसी वो बदलता रहता है ठीक है लेकिन शायद हॉस्पिटल्स के अंदर तो सीजन वाइज करके वो कुछ नहीं होता तो इसके लिए जो भी है ये थ्रू आउट टोटल बेटा तो ये कितना आता है वन थ्री चलो ठीक है सिक्स सेवन जीरो चलो सुनो अभी देखो मेरे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो थे वो हो गए अब मैं एग्जाम वाले क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं और ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ध्यान देना वट एवर आई विल बी सी ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैरिंग पैसेंजर्स ठीक है दिस फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर बी डूइंग ऑन तुम्हारे ना बुक के अंदर मैंने एक थियरी वो रखा हुआ है आईसी क्या बोलता है जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैरिंग पैसेंजर्स होंगे ना ठीक है तो फिर एक काम जरा वो करना ट्राई टू डिवाइड द कॉस्ट इन टू दीज थ्री कैटेगरीज ठीक है ये वाला चीज एक बार सम भी करोगे ना तो तुम लोग को याद हो ही जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्टर ठीक है ये आईसी ने बोला है तो ऑनस्टली वी वर नॉट एग्रींग टू दैट पर्टिकुलर थिंग बट इफ दे ऑल से जस्ट रिस्पेक्ट दैस्ट स्टैंडिंग चार्जेस और फिक्स चार्जेस दीज आर दिक्कस कॉस्ट दै रिमीन्स कॉन्स्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल दीज कॉस्ट विल इंक्लूड इंश्योरेंस लाइसेंस फीस देन सैलरी टू ड्राइवर कंडक्टर उसके बाद गैरेज कॉस्ट इंक्लूडिंग गैरेज रेंट टैक्सेज एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्रीसिएशन इंटरेस्ट ठीक है कोई भी कॉस्ट है अगर एक साल का लग रहा है ठीक है एक महीने का लग रहा है एनीथिंग दैट इज टाइड अपू अ सर्टन पीरियड ओके देन कॉल दो पर्टिकुलर कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वेरियबल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट

वो फिक्स लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना जो कमीशन वाला पार्ट है ये किधर आ जाएगा वेरिएबल के अंदर ठीक है अच्छा डेप्रिसिएशन इफ लाइफ इज इन किलोमीटर अभी ना ये 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 वाला ये वाला वाला चीज पॉइंट पॉइंट और हमेशा याद रखना कभी कभी लाइफ ऑफ द व्हीकल्स विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स कभी कभी लाइफ विल बी इन टर्म्स ऑफ इयर्स जो क्वेश्चन नंबर वन किया था वहां पे लाइफ ऑफ द व्हीकल वाज इन टर्म्स ऑफ इयर्स नो तो अपने को डेप्रिसिएशन पर ईयर मिला ठीक है बट लाइफ कैन ऑल्सो भी मेजर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर अगर लाइफ किलोमीटर तो मिलेगा. नंबर ऑफ किलोमीटर इस क्वेश्चन के ना वैसा होएगा, तुमको समझ में आ जाएगा एनी अदर वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाइड आगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट. ऑनेस्टली तुमको बोलता हूं ये वाला जो पार्ट है ना ये तुमको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा करेक्ट ही होगा ये वाला भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा करेक्ट ही होगा बस ये याद रख कर वो चले जाना वो लोग ऐसा बोलता है कि कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है कोई भी टायर्स का कॉस्ट होता है कोई भी स्पेयर्स का कॉस्ट होता है स्पेयर्स मतलब हम लोगों ने एक स्टेपनी वगैरह वो रखा हुआ है या फिर कुछ यहां पे पार्ट्स अपने बस के जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं तो हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बोल रहा ओके तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो जो कॉस्ट है ना उसको तुम लोग सेमी वेरिएबल या मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर गिनना बस ये तीन चीजें याद रख लेना और कुछ भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है सच ठीक है चलो तो लेट्स स्टार्ट टू बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग ठीक है तो अपना ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइन मिस्टर एस स्टार्टेड अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद्लीट ऑफ टेन कार्स हमारे क्वेश्चन में वन के ना एक ही कार था बी केयरफुल अभी टेन कार्स है The expenses incurred by him are given below. Cost of each taxi seventy five thousand rupees. Salary of office staff पंद्रासो per month. तो salary of office staff बेटा per month दिया हुआ है ना तो मेरे को बोलो पर मंथ दिया हुआ है तो उसको किधर डालूँ? Fixed के अंदर. आगे लिख लो अगर book है तो fixed. Salary of garage staff fixed. Rent of the garage fixed. Driver salary per taxi बेटा ये तो salary है ये commission वगैरह नहीं हैं. So these are per month. These are fixed. रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी बेटा ये रोड टैक्स आ गया ना ओके okay? ये रोड टैक्स वगैरह अगर वो देखोगे ना ऑनेस्टली इन रियल लाइफ ऑल्सो जो तुम्हारे टैक्सेज वगैरह होते हैं ना लाइक रोड टैक्स वगैरह दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ किलोमीटर आपको हर साल एक अमाउंट जो होता है टैक्स के तौर पर तो वो देना पड़ता है तो वो फिक्स ही हो जाएगा तो यहां पर हेमराइटिंग फिक्सड हो इंश्योरेंस प्रीमियम एट द रेट ऑफ फोर परसेंट ऑफ कॉस्ट पर एन एम ठीक है कॉस्ट का चार परसेंट देखो इंश्योरेंस देने का है बेटा अभी दैट विल आल्सो बिकम फिक्स्ड ओनली नो क्योंकि हर साल का तुम्हारा जो अमाउंट है वो सेम हो जाएगा अच्छा नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बुक है तो लिख के रखना लाइफ ऑफ द टैक्सी इज थ्री लाख किलोमीटर्स एट द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड एट फिफ्टीन तो यहां पर लिख के रखना डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल कॉस्ट आगे अभी ये वाला लाइन अपना पोपट मत करवाना सुनो मेरी बात अ टैक्सी रनस ऑन एन एवरेज 4000 किलोमीटर्स पर मंथ और विच 20% रनस एम्प्टी बोलो क्या बोलते हैं एक टैक्सी एक महीने के अंदर कितने किलोमीटर्स चलता है 4000 उसके ऐसे 20% रनस एम्प्टी मतलब वो सेल्फ ड्रिवन कार नहीं है वो ऐसा नहीं है ओके okay. 20% रनस एम्प्टी बोले तो जर नहीं है कोई। वो पैसेंजर नहीं है ओके अगर एक थर्ड क्लास मूवी वो देखी होगी तो तारजन करके तारजन वंडर कार ओके ये वैसा नहीं है कि कार खुद ब खुद चलेगा लोगों को मार के तो वो वापस आ जाएगा वो ऐसा नहीं है वो सलमान खान ही था कार्टून उसके अंदर सुन आगे नहीं सर, वो भी नहीं गाड़ी चला अच्छा बराबर डोंट डू पर्सनल कमेंट्स आगे चलो पेट्रोल कंजम्पशन इज नाइन किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्टिंग रूपीज ट्वेंटी सिक्स पर लीटर ठीक है आगे तो ये जो पेट्रोल कॉस्ट है ना बेटा ये जो पेट्रोल कॉस्ट है दिस विल इन दिस केस बिकम ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट ऑयल एंड अदर सन्डी एक्सपेंसेस विल बी थर्टी पर हंड्रेड किलोमीटर ठीक है तो ऑब्वियसली ये वाला भी कॉस्ट वेरिएबल ही हो जाएगा ठीक है क्योंकि इट इज थर्टी पर हंड्रेड किलोमीटर हर हंड्रेड किलोमीटर के लिए थर्टी रुपीज का खर्चा आगे कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर ओके अभी ये वाला लाइन ना समझ लेना प्लीज कुछ अगर अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखने का होगा तो लिख लेना अभी तक पूरे क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर इफ द हायर चार्जेस मतलब भाड़ा दैट वी टेक फ्रॉम द कस्टमर को हम लोग चार्ज कितना करते हैं सिक्स पॉइंट एट पर किलोमीटर ओके तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस अगर हम लोग कस्टमर को 6.8 पर किलोमीटर चार्ज करते हैं तो हम लोग पूरे साल के अंदर कितना प्रॉफिट कमाएंगे ठीक है ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए बेटा दो चीजों की जरूरत पड़ती है सेल्स सेल्स एंड कॉस्ट के लिए उन लोगों को तुमको ये वाला फिगर तो देना पड़ेगा ना कि सेल्स वगैरह वो कितना होगा ठीक है तो यहां पे ना ये सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं ये सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं और जो बाकी हैं वो वेरिएबल कॉस्ट हो गए ठीक है अच्छा तो एक मिनट मेरे को बोलो कितने वेरिएबल कॉस्ट हैं देखो काउंट करो है मेरे ख्याल से एक डेप्रिसिएशन हो गया एक पेट्रोल हो गया एक ऑयल एंड हो गया, ठीक है और बाकी ये सारे के सारे फिक्स नाइन जो हैं शायद कोई नहीं है टायर्स थिंग्स यू कैन काउंट एज सेमी वेरिएज आर फिक्स वेरिएबल ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं सुनो अभी ना एक कॉल तुमको लेने का है हमेशा यू वॉन्ट टू बी मेकिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ठीक है यू वॉन्ट टू मेक ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन ईयर फॉर वन मंथ यू हैव टू टेल मी दैट क्योंकि अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू कम्प्यूट द फिगर्स मेरे को बोलो ये तुम्हारी मर्जी है मेरा आंसर जो होता है तो वो सेम ही रहने वाला है यू वॉन्ट टू मे इट फॉर वन मंथ फॉर वन ईयर मेरे को बता दो एक बार आई मेक इट फॉर वन मंथ उसका कोई रीजन नहीं है मेरे को कई चीजें पर एनम भी दिखाई दे रहा है मेरे को कई चीजें पर मंथ भी दिखाई दे रहा है लेकिन मेरे को चार चीजें पर मंथ वैसे ही दिखाई दे गया सो लेट मी कम्प्यूट द थिंग्स फॉर वन मंथ ठीक है तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं चलो लिखो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन मंथ अभी हर चीज प्लीज वन मंथ के लिए करना ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन मंथ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं तुम लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना एक सेकेंड सुनो 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 तुम लोग क्या गलती करने वाले हो आई एम टेलिंग यू ऑल इन एडवांस यू आर मेकिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ द इंटायर कंपनी फॉर वन मंथ मेरे को बोलो कंपनी के पास कितना कार है बेटा टेन तो खुद को ना एक चीज दस बार बोल देना आई एम मेकिंग स्टेटमेंट फॉर वन मंथ बट फॉर टेन कार्स लेकिन एक बार मैंने टेन कार्स बोल दिया ना पागलों की तरह हर चीज को टेन से मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा ठीक है आराम से देखते रहना किन चीजों को टेन से मल्टीप्लाई करने का होएगा ठीक है तो मैं कई चीजों का शॉर्ट फॉर्म वो लिख रहा हूं तुम लोग पूरा का पूरा फॉर्म लिखी देना जो वो चार सॉरी छह फिक्स कॉस्ट था आई एम ओनली राइटिंग दोस्त तुम लोग बस वही वाला काम करो आगे वाला काम मैं करने वाला हूं तुम लोग ये वाला काम आराम से करो इनफैक्ट तुमको ये वाले पेज की कोई जरूरत नहीं है दैट आई आई हैव रिटन ओके आर ऑल पर्टिकुलर कॉस्ट कॉस्ट ये जो छह फिक्स्ड है ये सारी की सारी कॉस्ट एक मंथ के लिए कंप्यूट करो फॉर द एंटायर कंपनी कंपनी के पास टेन कार्स हैं ओके okay? ये वाला काम कंप्लीट करो बस टोटल मार देना और कुछ मत करना आगे वाला काम मैं करूंगा नेहा वो करेक्ट है बेटा गाइस एक महीने का फिगर हा एक महीने का फिगर सब लोग के आंसर्स रॉन्ग है एक्सेप्ट वन पर्सन टोल्ड विजित अभी बहुत टाइम है बेटा हाँ विजित वैसे आपका जो आंसर है वो करेक्ट है ठीक है बट वी विल वेट फॉर फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो सब लोग के आंसर गलत है सुनो मैं स्टार्ट करता हूं सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ मेरे को बोलो फिफ्टीन हंड्रेड को टेन से मल्टीप्लाई करू no. नहीं no. ना फिफ्टीन oh, हंड्रेड no. काम खत्म आगे सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ टू थाउजेंड उसको टेन से मल्टीप्लाई करूं no, नहीं आगे रेंट ऑफ द गैरेज उसको मल्टीप्लाई करूं ऑब्वियसली नॉट वन थाउजेंड पर मंथ ही है, तुम लोग भी एक मंथ का ही काम करे हो ड्राइवर्स सैलरी उसको टेन से मल्टीप्लाई यस यस ऑब्वियसली वो पर टैक्सी है ना तो दस ड्राइवर भी तो होंगे ना अपने पास दस टैक्सियों के लिए ट्वेंटी एट थाउजेंड आगे रोड टैक्स इन रिपेयर पर टैक्सी लिखा हुआ है बेटा पर टैक्सी है ठीक so, है सो टू वन सिक्स जीरो टू वन सिक्स जीरो पर एनम है टू वन सिक्स जीरो पर एनम है मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो ये जो आंसर आता है ये जितना भी आंसर आता है ठीक है दिस इज आंसर फॉर आगे कुछ for बोलो ना दिस आंसर फॉर वन टैक्सी फॉर वन मंथ ओके इन टू कितना टैक्सीज है बेटा टेन टैक्सीज़ एटीन हंड्रेड ठीक है आगे इंश्योरेंस फोर परसेंट ऑफ द कॉस्ट पर आना तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड कॉस्ट था उसका फोर परसेंट लेकिन सुनो सुनो ये आंसर नहीं है बेटा आंसर तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम है ये 4% पर एनम था पर एनम था तो 75000 द कॉस्ट ऑफ वन टैक्सी 4% पर एनम विल बी गिविंग यू इंश्योरेंस कॉस्ट आगे कुछ बोलो ना फॉर वन टैक्सी फॉर वन ईयर डिवाइडेड बाय 12 for करना और वन टैक्सी फॉर वन टैक्सी फॉर वन कितना टैक्सीज करना पड़ेगा 10 टैक्सीज टू थाउजेंड फाइव आता है ना जिन लोग का करेक्ट है थर्टी थर्टी सिक्स एट हंड्रेड ठीक रोमा नंबर टू वेरिएबल कॉस्ट डेप्रिसिएशन दो लाइन छोड़ो लिखो पेट्रोल एक और लाइन छोड़ो ऑयल एंड सेंट्री एक्सपेंसेस। अच्छा सुनो डेप्रिसिएशन आराम से करते हैं कॉस्ट ऑफ वन टैक्सी सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू किधर ना किधर तो दिया होगा बेटा फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाय लाइफ कर लेते हैं अभी लाइफ इज देर इन किलोमीटर थ्री लाख किलोमीटर्स मेरे को बोलो जो अभी तक मैंने आंसर लिखा है दिस गिव्स यू व्हाट मेरे को वर्ड्स बोलना नंबर्स मत बोलो

उेंडर्सेंट फोर थाउजेंड इंटू एटी परसेंट क्योंकि ट्वेंटी परसेंट इज एमटी नो ओके तो अभी तक जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर ठीक है मेरे को जरा बोलो स्टूपर्ड क्वेश्चन है बट स्टिल आई आस्क यू वन टैक्सी वन टैक्सी का नंबर ऑफ किलोमीटर्स मैं यहां पे फोर थाउजेंड कि थर्टी टू हंड्रेड लिखूंगा फोर थाउजेंड ना बेटा पैसेंजर हो या ना हो अगर टैक्सी चल रहा है तो डेप्रिसिएशन तो होएगा ना तो दिस इज फोर थाउजेंड किलोमीटर्स ये थोड़ी ड्राइवर अगर पैसेंजर के साथ चलाएगा तो ही टैक्सी वो वोन आउट होगी अगर अकेले भी चलाएगा तो भी टैक्सी तो बट दिस इज स्टिल नॉट योर आंसर क्योंकि फोर थाउजेंड किलोमीटर इन टू तो कितना टैक्सी टेन टैक्सी 8000 हो गया आगे Hmm. पेट्रोल पेट्रोल पहले ना डिस्टेंस पता कर लेता हूं मेरे को बोलो अगेन पेट्रोल विल बी इनकर्ड फॉर फोर थाउजेंड किलोमीटर्स थर्टी टू हंड्रेड किलोमीटर फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड इंटू टेन टैक्सीज तो चालीस हजार किलोमीटर पूरी कंपनी का पेट्रोल कॉस्ट का खर्चा होगा अभी आगे खर्चा भी निकाल लो बेटा फोर थाउजेंड इंटू टेन डिवाइडेड बाई टैक्सी कितना देती है नाइन किलोमीटर्स पर लिटा इंटू ट्वेंटी सिक्स वन वन फाइव 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 सिक्स अच्छा ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगेन आई थिंक ऑयल वगैरह दीज आर द खर्चा दैट हैपन वेन द टैक्सी रन सेयर इन ऑफ द फैक्ट कस्टमर है कि नहीं फोर थाउजेंड इंटू टेन इंटू थर्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड किलोमीटर्स ये आ जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड रोमा नंबर टू कर लो टोटल कॉस्ट वन प्लस कर लो को वन प्लस टू का आंसर बता देना बेटा वन सेवन टू थ्री फाइव सिक्स चले इस क्वेश्चन का ना अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है लेकिन वो मैं कल के लेक्चर के अंदर ही करता हूं क्योंकि यहां पे क्या है उन लोगों ने वो हायरिंग चार्जेस वगैरह वो दिया हुआ है और मेरे को ये लाइन के ऊपर थोड़ा बहुत बात करने का है ठीक है तो इन एनी केस ये वाला जो चीज है आई विल ट्राई टू बी डूइंग द थिंग्स एट दैट टाइम ठीक है ये नीचे वाले भी जो शॉर्ट्स हैं ना वो मे कल ही पढ़ने पड़ेंगे उसके ऐसे फर्स्ट पॉइंट आई कैन रीड एंड पॉइंट नंबर टू आल्सो एक्चुअली लाइफ इज इन किलोमीटर्स हैंड्स एप्रिसिएशन इज अ वेरिएबल कॉस्ट हायर चार्जेज मीन्स अ रेंट दैट अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस टू द कस्टमर हायर चार्जेस का मतलब वो वाला चीज़ होता है ठीक है पॉइंट नंबर थ्री अभी नहीं पड़ेंगे वो कल ही पढ़ेंगे ठीक है सो विल बी डन फॉर टूडे विल बी मीटिंग नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर और हम लोग तब ये वाला जो चीज है वो कंप्लीट कर लेंगे ठीक है